मुझे अब्दाल शाह सर के नीचे नहीं कदमों में चाहिए। तो मुझे धमकी देकर क्या समझता है, मेरे इलाके में अपनी मनमानी करेगा? हरगिज नहीं। बलाश ठीक तो है ना? बलाश सरकार को गोली लगी है जी। बीबी जान क्या हुआ बलाश को? या खुदाया, बलाश को गोली लग गई। कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई है भैया? और ये खुशफहमी तुम्हें कैसे हो गई? तुम इतना ख्याल कर रही हो मेरा? तुम जाकर भी कुछ नहीं कर सकते, और अगर मैं चाहूं तो बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन ताया सरकार, एहसान मानो उनका कि तुम्हारे साथ नरमी का बर्ताव हो रहा है। तुम्हारे साथ सिर्फ निकाह कर रहा हूं अभी। जिसे अपने अलावा किसी की कोई फिक्र नहीं, कोई परवाह नहीं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके फैसले से किसी और की खुशियां बर्बाद हो सकती हैं। मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी मलिक बालाज कि तुमने मुझसे जबरदस्ती निकाह किया। बालाज मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, मैं इस दिल को कभी इजाजत नहीं दूंगी कि तुम्हारे लिए धड़के। ये दिल तुमसे नफरत तो कर सकता है मगर मगर मोहब्बत कभी नहीं कर सकता। काश कि तुमने ऐसा ना किया होता। दवाई तो खानी पड़ेगी। तुम्हें तो बहुत खुशी होती ना भैया अगर मैं मर जाता तो। अल्लाह ना करे। कहीं तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो नहीं हो गई है भैया? इतना सब कुछ तो कोई किसी के लिए तभी करता है ना भैया, तो कोई किसी के लिए बहुत खास हो। ये क्या हो रहा है मुझे? मैं क्यों बालाज की परवाह कर रही हूँ? क्यों उसके बारे में सोच रही हूँ? नहीं, मुझे नहीं सोचना चाहिए बालाज के बारे में। तो फिर आपने क्या सोचा शादी की तारीख के बारे में? आपको जो मुनासिब लगे वो हमें आप बता दें। अरे आप लोग लड़की वाले हैं, आप जो डेट बताएंगे हमें मंजूर है। तो बस फिर ठीक है, इस महीने की आखिर की कोई तारीख रख लेते हैं। मैं समझती हूँ कि महीना तो बस खत्म होने वाला ही है, अगर अगले महीने की कोई तारीख हो जाए तो ज्यादा बेहतर नहीं? मुझे तैयारी में भी वक्त मिल जाएगा ना, आपको तो पता है फाइक मेरा इकलौता बेटा है, चाहती हूँ उसकी शादी में कोई कमी ना रह जाए, और सब इंतजाम भी मुझे अकेली को ही करने होते हैं, तो बस ये वजह थी। ठीक है, अगर आप ऐसे जाती हैं तो ऐसे ही सही, जहाँ इतने दिन इंतजार कर लिया एक महीना और सही। तो फिर ऐसा करते हैं कि अगले महीने की 20 तारीख रख लेते हैं, ठीक है? हाँ ये ठीक रहेगा। आप चाय तो लें। शुक्रिया। तो मैं कुछ दूँ? नहीं। साजी खाना खा ले। खाना क्या खा ले, लेके जा इसको यहाँ से।
इतना तैयार होके कहाँ जा रही हो? कहीं जा नहीं रही। तो इतना तैयार क्यों? वो आसफा आंटी आई ना मेरी डेट लेने के लिए, और ये ड्रेस तो मुझे एक्चुअली फाइट ने गिफ्ट किया था। उन्होंने खास तौर पे कहा था कि यही पहन। तुम बहुत खुश हो ना मिनहल, ये खुशी तुम्हारे चेहरे पे ज्यादा देर नहीं रहेगी। तुम दोनों बहनों की आंखों में सिर्फ आंसू होंगे। दर्द हो रहा है? हुरिया, ये तुम्हारे कड़े मुझे किचन से मिले हैं। मैं भूल गई थी। थैंक यू सो मच। वैसे मैं देख रही हूँ जब से बालाज बीमार हुआ है तुमने बहुत मसरूफ कर लिया है खुद को, कि ना खुद का ख्याल रखती हो ना अपनी चीजों का। वैसे देखा जाए तो अच्छी ही बात है ना, मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसा ही होना चाहिए, एक दूसरे के दर्द में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। बालाज, तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि तुम्हें हुरिया जैसी बीवी मिली है, कदर करना इसकी। मैं भी इससे यही कहता हूँ चाची, ये मानती नहीं है। क्या नहीं मानती? यही कि मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ, मुझे ऐसी बीवी मिली है। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ। आप लें ना। आप नहीं, मुझे किचन में कुछ काम है, तुम दोनों बैठो। सारे खाने तुमने? आपने? जूस ही बना लेते हैं। ऐसे खा लो। अच्छा, तुम्हारी दवाई का टाइम हो गया, मैं लेके आ रही हूँ जल्दी। बस बहुत हो गया, जब लोगों को मेरी परवाह नहीं। तो मैं इनकी खुशियों की क्यों परवाह करूं? आज से बस मैं अपने दिल की सुनूं। जब किसी को मेरा एहसास नहीं तो मैं क्यों किसी का एहसास करूं? तुम खुद को मुझसे अलग कैसे कर सकते हो? हम दोनों अलग हो चुके हैं डैमिट, और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आओ। ये रहा तुम्हारा दुबई का वीजा और टिकट। जाना कब? आज। अभी? आज अभी? मैं तो सोच रहा था कि एक दो रोज बाद की फ्लाइट होगी, अगर आप मुझे पहले बता देते तो। तो क्या कर लेते तुम? तुम्हें कौन सा तैयारी करनी है? चार दिन की बात है, जाओ जमीन देखो, फाइनल करो और आ जाओ। अगर बालाज की तबीयत ठीक होती तो ये काम मैं उसे देता। मैं जानता हूं आपको मुझ पर भरोसा नहीं। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है,
जाओ तैयारी करो। जी 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 सही है सही है। हाँ चलें देखते हैं इसको। हाँ मैं अभी निकल रहा हूँ, बाद में कर रहा हूँ बात। ओके सरकार गाड़ी पे है। हाँ तुम चलो मैं आ रहा हूँ। आप मुझे पहले बता देते तो मैं पहले ही आपका बैग रेडी कर देती। अरे भाई मुझे ये तो पता था कि दुबई जाना है, लेकिन आज ही जाना है ये पता नहीं था। भाई सरकार का हुक्म है कि आज ही जाओ, तो बस ठीक क्या करूँ, सामान रख दिया सारा। जी कोई बहुत जरूरी काम है आपको? हाँ भाई सरकार ने पहली बार मुझ पर एतमाद करके कोई काम सौंपा है मुझे, दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो। जी आप कितने दिनों तक है वापसी? मैं इतवार को आ जाऊंगा इंशाल्लाह। जी वो मैं ये कह रही थी कि मैं सबनीन से मिलकर आता। सईदा मेरे जाने के बाद समरीन का ख्याल रखना, उसे वक्त पर दवा देना, खाना देना। जी। पता नहीं दिल नहीं चाह रहा कि उसे छोड़कर जाऊं, लेकिन भाई सरकार का हुक्म है। खैर मुझे यकीन है कि तुम उसका ख्याल रखोगे, बच्चियों का भी ख्याल रखना और अपना भी। हाँ मैं मिलकर आता हूँ उससे। गुलामदीन जाओ यहां से। बाबा सरकार मुझे आपसे बात करनी है। कहो क्या कहना चाहती हो? मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं। ऐसा क्या बताना चाहती हूं? आप जानना चाहते हैं ना कि बानो इस घर से कैसे गई? तुम जानती हो इस बारे में? गिरजन चाय रख दो। मलिक सरकार के पास मेहमान बैठे हुए हैं या चले गए? नहीं वो तो काफी देर पहले ही चले गए। अच्छा ठीक है तुम किचन देखो जाकर। जी ठीक है। अंबर तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? जी बाबा सरकार मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या कह रही हूँ। अगर मेरी इस बात में एक भी झूठ हुआ तो आप मुझे वही सजा दे सकते हैं जो एक चोर की होती है। मैं कई दिनों से आपको ये बात बताना चाहती थी मगर मुझे उसका नाम बताओ जिसने मेरे फैसले के खिलाफ जाने की जुर्रत की है। बानो से तो मैं बाद में निपट लूंगा, मुझे उस नमक हराम मुलाजिम का नाम बताओ जिसने मुझसे गद्दारी की है। बाबा सरकार आपसे गद्दारी, आपसे बगावत करने वाला कोई मुलाजिम नहीं है बल्कि इसी घर के फर्द ने की है। घर का फर्द कौन है वो? बानो को इस घर से निकालने वाली हुरिया है। हुरिया? उस लड़की की इतनी जुर्रत कैसे कर सकती है वो ये सब कुछ?
अलावा सरकार, ये तो अब आपको हुरिया ही बता सकती है। इस घर की खवातीन ने हमेशा मेरे हर फैसले के सामने सर झुकाया, मगर ये लड़की देख लूंगा इसे। हाँ, बानो को मैंने ही यहां से निकाला है। और मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं। आप से मुझे ऐसे क्यों देख रहे? मैंने सिर्फ वो किया जो मेरे दिल ने कहा। मेरा दिल इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई किसी से जबरदस्ती रिश्ता कैसे जोड़ सकता है। बानो उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने बानो को उसका हक दिलाया। ताए जान, हुरिया आपकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। प्लीज इन्हें माफ कर दें, इनसे गलती हो गई। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि ये दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। प्लीज ताजान माफ कर दें हुरिया आपी को। तुम क्यों माफी मांग रही हो लड़की? तुम्हारी बहन तो इसको गलती तस्लीम ही नहीं करती। हुरिया आपी, प्लीज माफी मांग लेना, मेरी खातिर माफी मांग ली प्लीज। किस बात की माफी मांगू मैं? कुछ गलत नहीं किया मैंने गलत होने से बचाया। शाह साहब, अब काफी बेहतर महसूस कर रहा हूं। ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो बालाज के सीने को चीर सके। आप फिक्र मत करें, उनका भी काम कर दिया है, छोड़ेंगे थोड़ी। हाँ हाँ, आऊंगा ना फिर मैं। हाँ, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। करता हूँ। बालाज, तुम यहाँ हो? मैंने तुम्हें पूरी हवेली में ढूंढ लिया। तो क्या हुआ है चाची, इतनी घबराई हुई क्यों है आप? क्या बात है? कुछ भी ठीक नहीं है, वो तुम बस जल्दी से चलो मेरे साथ। अरे आखिर बात क्या है भाई? सरकार गुड़िया पे बहुत गुस्सा हो रहे हैं, तुम चलो बस। गुड़िया पे? अब उसने ऐसा क्या कर दिया? चले। तुम्हारी जो ये दीदा दिलेरी है ना, एक दिन तुम्हें ले डूबेगी। तुमने जो करना था कर दिया, अब मैं वो करूंगा जो मुझे करना है। सुरैया, इसको बानों वाले कमरे में बंद कर दो। भूखी प्यासी रहेगी तब कि इसकी अक्ल को लगाम दिया जा सके और ये अपने हदूद में रहना सीखे। एक मिनट तक है सरकार। कुछ भी करने से पहले एक बात याद रखिएगा, उरिया मेरी बीवी। मर्द की यह शान नहीं होती कि उसकी बीवी तकलीफ में रहे और उसका मर्द सुकून से बैठा रहे। मैं इसे बुजदिली और बेगैरती समझता हूं। एक लड़की की खातिर, एक लड़की की खातिर तुम इस खानदान की रिवायात, मेरी तरबियत सब भूल गए। जिंदगी में पहली दफा तुमने मेरे हुक्म अधूरी की है। माफी चाहता हूं ताजी। अच्छी तरह जानते हो तुम ये हरकत तुम्हारी जगह कोई और करता ना,
तो इस वक्त अपनी टांगों पर ना खड़ा होता। था क्या आपको? आपको जो करवाना है आप करवा लें। मैं आपसे एक शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन ये बीवी है मेरी, इसके साथ मैं कोई बदतमीज कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हारी आंखें कुछ और बता रही हैं बालाज। जानते हो बालाज, जिस मर्द का दिल उसके काबू में ना रहे ना, तो वो बुजदिल हो जाता है। क्या मैं ये कहूं कि तुम भी जन मुरीद हो गए हो? क्योंकि तुम्हारी बीवी के दो आंसू तुमसे बर्दाश्त नहीं हुए। मैं समझता था कि चूंकि तुम्हारी तरबियत मलिक शहबाज ने की है, इसलिए तुम भी मलिक शहबाज जैसे ही होगे। मगर नहीं, बीबी जान आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई। मैंने बाबा सरकार से कोई बात नहीं की, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम झूठ तो नहीं बोल रही? मैंने तुम्हें खुद बैठक की तरफ जाते हुए देखा था और उसके बाद ही। मैं आपको कह रही हूँ ना कि मैंने बाबा सरकार को कुछ नहीं बताया। ऐसा भी तो हो सकता है ना किसी मुलाजिम ने बता दिया। एक तो तुमने गलती की, ऊपर से झूठ बोले जा रही हो। मैंने तुम्हें खुद बैठक की तरफ से निकलते देखा था, तुम ही ने सबको सब कुछ बताया है। वो तो मैं बाबा सरकार से अपनी कोई बात करने गई थी। अच्छा, क्या बात करने गई थी? मैं वो अगर तुम सच बोल रही होती ना, तो इस तरह से तुम्हारी जबान लड़खड़ा नहीं रही होती। बहुत अफसोस है, मुझे यकीन नहीं आ रहा अंबर कि तुम ऐसा कर सकती हो। तुमने अपनी खुदगर्जी में आकर क्या कर दिया, तुम्हें इस बात का एहसास है? और बालाज ने इतनी बड़ी गलती कर दी, उसे मलिक सरकार के सामने इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। बड़ा मान था ना बाबा सरकार को बालाज पर कि वो उन जैसा है। चले, इसी बहाने बालाज के असली तो बाबा सरकार के सामने आ गई ना। पर वैसे बीबी जान, ये वही बालाज है ना जिसके लिए बाबा सरकार के असूल उसकी जिंदगी से भड़कर थे। अब कहां गया सब, मट्टी में मिल गया? इंसान रिश्तों के लिए ऐसे ही हो जाता है। हुरिया बालाज की बीवी है। बस कर दे बीबी जान, आपका और बाबा सरकार का भी यही रिश्ता है ना। बाबा सरकार ने तो आज तक आपकी खातिर अपने बाप दादा के कोई असूल नहीं तोड़े, तो बालाज ने क्यों? मोहब्बत हर किसी की किस्मत में नहीं होती अंबर। मोहब्बत तो जालिम का दिल भी नरम कर देती है। बालाज का दिल तो पहले से ही नरम था, लेकिन उसे समझ में अब आया है हुरिया की जिंदगी में आने के बाद
उसे इस बात का एहसास हुआ है कि वो वैसा नहीं है जैसा नजर आता है, वो बाबा सरकार जैसा लगता है ऐसा है नहीं। ठीक है, आज आ जाएं बाबा सरकार, इसके सर से ना सारा मोहब्बत का भूत उतार लेंगे वो। अल्लाह करे मलिक सरकार उन दोनों को माफ कर दे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, अल्लाह करे कि हूरिया को उसके किए की सजा मिले। मुझे लगता था कि बालाज पर मेरी तरबियत का असर हमेशा कायम रहेगा। वो मेरा अपना खून ना सही, मगर मुझे कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। मगर कल की आई लड़की बालाज पर हावी होने लगी है। मुझे मेरे रिश्तों और इस घर की बुनियादों पर अपनी गिरफ्त मजबूत करनी पड़ेगी। मैं खुद को इस तरह हारने नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। आज बालाज ने मुझे उसकी जिंदगी में मेरी अहमियत का एहसास दिलाया। मैं तो इस रिश्ते को जबरदस्ती का बोझ समझ कर जी रही थी, लेकिन आज आज मुझे बालाज के होने पर फख्र हो रहा है। ये हरकत तुम्हारी जगह कोई और करता ना तो इस वक्त अपनी टांगों पर ना खड़ा होता। आपको जो करवाना है आप करवा लें, मैं आपसे एक शिकायत नहीं करूंगा, लेकिन ये बीवी है मेरी, इसके साथ मैं कोई बदतमीज कोई ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, मैं तुम्हें नजर आ रही हूं मलिक बालाज, और मुझ में तुम क्या छुपा रहे हो? ये तोहफा लाया था तुम्हारा, किसी ने सच्ची कहा है कि इंसान जिसके साथ रहता है उसकी आदत हो जाती है, जैसे मुझे तुम्हारा। मैं जानती हूं तुम मेरी वजह से बहुत परेशान हो। आज से पहले कभी भी तुम ताया जान के खिलाफ नहीं गए, और आज ताया जान और तुम्हारे दरमियान जो भी इख्तलाफ है उसकी वजह मैं बन गई हूं। आज कुछ अनजानी सी खुशी का एहसास हो रहा है मुझे हुरिया। उसमें हंसने की क्या बात है? एक सवाल पूछूं तुमसे? हाँ। तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया?
बाज औकात इंसान कुछ काम अचानक हो जाएगा, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। जज्बात में आकर इंसान वो सब कुछ कर सकता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। अच्छा है, अच्छा है। चलो आज ये तो पता चला कि तुम्हारे अंदर भी एक अच्छा इंसान है जो अपने अलावा दूसरों के बारे में भी सोचता है। तुमने अभी मुझे समझा ही कहा है। तो मैं समझती हूँ और समझ गई हूँ। मैं तेरी हूँ, मैं तेरी हूँ, सजनों मैं तेरी हूँ।